జీఎస్టీ అమలుతో భయాందోళనలు అవసరం లేదన్నారు రెవెన్యూ కార్యదర్శి హస్ముఖ్ అథియా. ఎప్పటికప్పుడు ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్లకు లాభం జరుగుతుందంటున్నారు. జీఎస్టీ పన్నుల విధానం అమలు తీరు అంతా పారదర్శకంగా ఉంటుందన్నారు. రూమర్స్ నమ్మొద్దని వ్యాపారులకు సూచించారు. వ్యాపారానికి అవసరమైన సాఫ్ట్వేర్ ను ఉచితంగానే ఇస్తామన్నారు హస్ముఖ్ అథియా. मैं समझता हूँ कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन में कोई किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं. इसके लिए कोई बड़ा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी को भी नहीं चाहिए. और जिनको B2B का बिजनेस है, जिनको इनवॉइस वाइज डिटेल रखनी है, उनको भी कोई बड़ा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं. हम एक फ्री में सॉफ्टवेयर देने जा रहे हैं जो 15 जुलाई तक वो कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाएगा. उस सॉफ्टवेयर में आप अगर अपनी इन्वॉइसिस की सब डिटेल दे देंगे इन्वॉइस वाइज एक्सेल शीट में, तो वहीं सॉफ्टवेयर आपका पहला नंबर का रिटर्न बन जाएगा. उसमें से रिटर्न अपने आप बन जाएगा. तो इस तरह की सुविधा सब है. एक और बात आती है कि एक नई चीज़ जो जीएसटी में हो रही है वो ये है कि कंज्यूमर को खास हमको एजुकेट करना है. अब जो है वो वेट, पहले हम बिल में देखते थे, कोई भी आइटम पहले आप खरीदने जाते थे तो उसमें सिर्फ वेट की रकम बिल में दिखती थी, एक्साइज की रकम कभी भी बिल में दिखती नहीं थी. तो आपको पता ही नहीं था कि इस आइटम के अंदर एक्साइज ड्यूटी था. अब एक्साइज ड्यूटी चला गया, वेट भी चला गया, तो एक्साइज और वेट के बदले में जो टोटल जो नया टैक्स आया उसका नाम है जीएसटी. तो जीएसटी की जो आपको परसेंटेज दिखेगी बिल में वो शायद ज़्यादा होगी पहले के कंपेरिजन में. सिर्फ वेट दिख रहा था, अब जीएसटी दिख रहा है. वो जीएसटी के अंदर एक्साइज भी है, वेट भी है. तो वो आपको शायद परसेंटेज वाइज ऐसा लगेगी जैसे टैक्स बढ़ गया है. और कोई व्यापारी भी ऐसे आपको समझाने की कोशिश करे कि भाई इस आइटम में टैक्स बढ़ गया है इसलिए मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है कि पहले एक्साइज ड्यूटी था वो हिडन था और वो अब इसके अंदर आ गया है, तो दाम बढ़ना नहीं चाहिए. तो नागरिक लोग भी जागृत रहे और व्यापारियों से सवाल पूछे इसके बारे में. दूसरा, पहले की जो स्टेज में आपने टैक्स किया उसका इनपुट क्रेडिट नहीं भी मिलता हो